हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के DAY-84 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ्स का टेस्ट भी चलता है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इसका टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। चलिए देखो सवाल क्या है हमारा। सवाल में बोल रहा है टू व्हील्स ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर स्टार्टेड रोलिंग एट 7 AM, 7 बजे शुरू होते हैं फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ए और बी से 7 बजे शुरू होते हैं, यानी कि ए से 7 बजे और यहाँ से भी, विच आर 1980 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कितना सेंटीमीटर अपार्ट है? 1980 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है ए और बी की। दोनों 7 बजे ए से और एक बी से चलता है। ठीक है, ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक इधर से और दूसरा किधर से? इधर से। लेकिन स्पीड क्या है चलने का ये भी हमको नहीं मालूम। क्या बोल रहा है सवाल में? बोथ ऑफ देम मेक सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो दोनों का है वो क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दोनों का ही सेम है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग बोल देते हैं दोनों का क्या है? एक्स है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। और ये पर सेकंड का बात किया था, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड जो दोनों का होगा वो कितना होगा हमारा? एक्स। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में? उसके पूरे सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो पहले वाले व्हील का जो सर्कमफेरेंस होगा, फर्स्ट व्हील का, वो कितना हो जाएगा? 2πr होता है सर्कमफेरेंस। इसी को हम लोग 2 × r को ही हम लोग डी बोलते हैं, यानी कि पाई डी भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 7π हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। 7π जब हमारा हो गया, इसको आप चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, तोड़ देंगे जब, तो 7 × 22/7 क्या हो जाएगा? 7 7 7 कट गया, यानी कि 22। और हर रेवोल्यूशन जो है वो एक्स ले रहा है पर सेकंड, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? फर्स्ट वाले की स्पीड अगर हम लोग बोलेंगे तो स्पीड हो जाएगी उसकी 22x/s। ठीक है, अब यहाँ से उसी तरीके से सेकेंड वाला का हम लोग निकालेंगे। सेकेंड वाला का भी हम लोग लिखेंगे क्या? पाई डी। और यहाँ से पाई डी टू इसको इंडिकेट करता है, इसको डी वन रहने देते हैं क्योंकि दोनों डायमीटर अलग अलग है। फिर पाई का मान 22/7 और यहाँ से हम 14 लिख देंगे। 7 से कितना बार में? 2 बार में। 22 दोनों कितना? 44। तो सेकंड वाले का स्पीड, ये तो हम लोग सर्कमफेरेंस अभी निकाले, ठीक है, स्पीड जो हो जाएगा, चूंकि दोनों ही सेम रेवोल्यूशन ले रही है, तो इसके भी स्पीड कितनी हो जाएगी? 44x हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, बोथ ऑफ देम मीट एट 7:00 and 10, यानी कि 7 बजे शुरू हुआ और 7:10 पे मिल गया, यानी कि टाइम टू मीट जो होगा वो टाइम टू मीट मिलने में लगा समय कितना होगा? 10 सेकंड लगा होगा मिलने में। जब 10 सेकंड मिलने में लगा उन लोगों को समय, तो हम लोग तो जानते हैं कि दो मिलने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है हमारा? दोनों के बीच का दूरी, यानी कि 91980 बटा में रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड, यानी कि 22x + 44x, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा समय कितना लगा था? 10, यानी कि 10। 0 से ये 0 खत्म हो गया। 198 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 66x। 66 से काटेंगे 3 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x जब हमारा 3 आ गया तो हमसे पूछा क्या है सवाल में? द स्पीड ऑफ द स्मॉलर व्हील, स्मॉलर व्हील का स्पीड क्या होगा? तो स्मॉलर व्हील का स्पीड देखो तो कितना है? 22x है। 22x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 × 3, यानी कि 66। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 66। अब यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा चीज क्या चीज में था? सेंटीमीटर में था, सेकंड में था, मैंने किसी भी यूनिट को चेंज नहीं किया था। तो ये जो 66 हमारा निकला है, ये 66 निकला किसमें? 66 सेंटीमीटर/s में। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 66 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप आप लोगों को क्लियर होगा।